आत्मिक स्थिति की निशानी है बिंदु आत्मा स्टार ही याद रहे, देह का कोई अंग याद ही ना आए। देह के अंग से कोई काम करें लेकिन उस अंग में बुद्धि न जाए, अगर उसमें बुद्धि गई तो इसका मतलब देवानी, देवान आया। स्टार ही याद रहे, जैसे दीपक है, हवा नहीं चल रही है, बंद कमरा है, कहीं से हवा नहीं आ रही, तो दीपक की लौ सीधी जलेगी या यूं ये हिलेगी? है सीधी जलेगी। तो ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर माया का कोई झोंका वार न कर सके, ज्यों का त्यों आत्मा आत्मिक स्थिति में, जैसे सफेद स्टार यहां लगा हुआ है, ऐसे बुद्धि में चमकता रहे सितारा, हिलके डुलके नीचे ऊपर इधर उधर इंद्रियों में न जाए। वो कर्मेंद्रिय से काम करते हुए कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, ज्ञान इंद्रिय से, ज्ञान इंद्रिया भी, जैसे कान से कोई आवाज नहीं दे रहा है, कान से अगर आवाज, अगर कान से आवाज सुनाई दे रहा है और उस कान से सुनाई हुई, कान से सुनने वाली आवाज में हमारा दिल जा रहा है, क्या बड़ा अच्छा लग रहा है, गीत बड़ा अच्छा आया, इसका मतलब, इसका मतलब देवानी है या आत्माभिमानी है? देवानी है। क्या रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे हम कोई अध्ययन नहीं कर सकते हैं? इतनी आवाजें होती हैं, इतना अनाउंसमेंट होता है, बुद्धि उधर जाना जरूरी है? जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें बुद्धि नहीं लगेगी? अगर लगती है तो परसेंटेज में हम आत्माभिमानी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हैं? बन रहे हैं।